ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बाधरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे श्लोक नंबर 61 शक्यं जेतुं मनोराज्यं निर्विकल्पसमाधितः सुसंपादक्रमात्सोपि सविकल्पसमाधिना सह निर्विकल्प समाधि क्रमात् सुसंपादः सविकल्प समाधि भी हम प्राप्त कर सकते हैं निर्विकल्प समाधि भी हम प्राप्त कर सकते हैं लेकिन उनके लिए एक क्रम है वो क्रम का हमें उपयोग करना पड़ेगा अगर क्रम से हम नहीं चलेंगे तो ये समाधि संभव नहीं है और इसीलिए कहते हैं क्रमात् क्रमात्माने की ये क्रम से हम अवश्य प्राप्त कर सकते हैं तो हमने चार क्रम देख लिया यम नियम आसन प्राणायाम अब प्रत्याहार पांचवा क्रम जो है पांचवा है वो है प्रत्याहार प्रति आहार प्रत्याहार आहार हमने देखा आहार मानी आहरियंते इति आहार है पांच इंद्रियों द्वारा विषय को ग्रहण करना उसे आहार कहते हैं
प्रति आहार माने कि जो जो इंद्रिया पांच विषय ग्रहण कर रही है उसी से उसे वापस लाना, प्रति माने विरुद्ध दिशा में वापस उनको लाना। और इसीलिए प्रत्याहार की व्याख्या करते हुए पतंजलि मुनि कहते हैं ततः परमावश्यता इंद्रियाणाम। अब देखो इंद्रियों का परम, परम माने कि पूर्णतः, इंद्रियों का वश जो करा है वो पूर्णतः होना चाहिए। हमारी समस्या ये है कि बहुत सारे ऐसे हैं, देखो शास्त्र में इसे बहुत सुंदर कहते हैं कि राग द्वेष के अधीन होकर इंद्रिय विषयों में जाती है, लेकिन जहां द्वेष होता है वहां से इंद्रिय वापस आती है। जो द्वेष के विषय है वहां इंद्रिय नहीं जाती है, जो राग के विषय है वो राग के विषय में जाती है। तो इंद्रियों का भी जय जो हमें करना है, परम जय की आवश्यकता है, माने कि अपरय जय, परम जय भी है और जय परम जय भी है। अब तो इंद्रियों का जो हम निरोध कर रहे हैं, इंद्रियों का जो हम अपने आप में प्रभुत्व प्राप्त कर रहे हैं, वो किस प्रकार होना चाहिए? राग द्वेष के अधीन होकर नहीं है, या तो देश काल से नहीं है। परम अवश्यता माने कि सर्व देश में, सर्व काल में, सर्व परिस्थिति में हम हमारी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। देखो बार बार इसलिए मैं कहती हूं, आंख जो दर्शाती है वो देखने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको देखना है वो ही आप आंख से देखो। कर्णेन्द्रिय से सब सुनने की आवश्यकता नहीं है, जो श्रवण करना है उसी को श्रवण करो आप, बहुत आवश्यक है ये। परम विजय माने कि इंद्रिय प्रत्याहार माने परम विजय, परम जय माने कि पूर्णतः परम अवश्यता, आप समझो। पूर्णतः जब तक इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण है। आप क्या देखते हो, आप क्या खाते हो, आप क्या सुनते हो, आप किसका स्पर्श करते हो, आप समझो। अब देखो कई कई तो मानती थी कि श्री राम ही राजा बनेंगे, सबसे प्रिय जो कई कई का था वो श्री राम भगवान ही थे। और जब निर्णय हुआ कि श्री राम का राज्याभिषेक होगा तो कई कई प्रसन्न थी, आप समझो। लेकिन उनकी जो दासी थी कई कई, उनकी दासी मंथरा जो थी, वो मंथरा को ये राम जा राम बने वो किसी भी प्रकार से मंजूर नहीं था। वो मानती थी कि भरत ही राजा बनना चाहिए। तो उन्होंने जाके कई कई को समझाया कि अगर श्री राम जो है, अगर राम राजा बन गए तो कई कई महारानी कहलाएगी, तू नहीं, अब समझो। तो मंथरा की सब बात सुन के भी कई कई को गुस्सा आ गया कि नहीं तू गलत कह रही है। लेकिन जब मंथरा ने कई कई का स्पर्श किया, आप समझो, उस स्पर्श से ही मंथरा में मन के मन में जो भावना थी वही भावना कई कई के मन में प्रकट हो गई। ये स्पर्श जो है ना? देखो ये जो स्त्री शरीर होता है ना, ये भगवान ने बहुत अद्भुत शरीर बनाया है। स्त्री शरीर में एक विशेष प्रकार की, एक विशेष प्रकार की आप क्या कहेंगे, सिक्स सेंस जो कहते हैं हम, अतीन्द्रिय जो है अनुभूति होती है उनको। जो स्पर्श होता है, पिता का स्पर्श, पति का स्पर्श, पुत्र का स्पर्श, मित्र का स्पर्श, वो स्पर्श स्त्री समझ सकती है। स्पर्श से ही उसके समझ में आ जाता है कि जो स्पर्श करने वाले हैं उनके मन में क्या भावना है। अब देखो ये बहुत सूक्ष्म है,
स्पर्शेंद्रिय जो है वो सूक्ष्म है। स्पर्श से समझ में आता है, देखो नजर से भी हम समझते हैं, सर्व प्रकार से हम समझते हैं, इंद्रिय से भी हम समझ रहे हैं, आंख से भी कोई अगर हमारे सामने आंख देखता है उनकी दृष्टि से भी हम समझ जाते हैं कि उनकी दृष्टि में भाव क्या है। तो हमारी इंद्रिय सूक्ष्म है, सूक्ष्म पंच महाभूत से बनी हुई है, सात्विक पंच महाभूत से बनी हुई है, तो उनमें ये सूक्ष्मता है, ये व्यापकता है। लेकिन उनमें जब रजोगुण समुद्भव, भगवान क्या कहते हैं, ये राग द्वेष क्यों होते हैं, रजोगुण समुद्भव, जब इंद्रियों में रजोगुण की विशेषता आ जाती है, तमोगुण आ जाते हैं, तो भोग में वो पड़ती है। और इसीलिए परम वश्यता माने कि इंद्रियों पर ऐसा आपका प्रभुत्व होना चाहिए, कम से कम देखना सुनना। आप देखो ये हम जो संसार में रहते हैं ना, वो संसार में बहुत सारी ऐसी चीज है जिसको हम बहुत सामान्य मानते हैं, बोलना सामान्य है, भोजन करना सामान्य है, बहुत कुछ देखना सामान्य है, बहुत कुछ सुनना सामान्य है, आप समझो उनको हम बहुत सामान्य मानते हैं। लेकिन जब आप साधना कर रहे हैं, आपको निर्विकल्प समाधि की ओर जाना है, तो ये जो सब जिसको हम सामान्य कहते हैं वो साधक के लिए प्रतिबद्ध के विघ्न करता है। स्वामी जी हमेशा कहते इंद्रियों जो है, इंद्रियों को हमें इतना बहुत दोष देने की आवश्यकता नहीं है कि इंद्रियों तो रिपोर्टर है। आप समझ, मन है, आगे मैंने कहा ना कि अगर शम आपके मन पर अगर आपका नियंत्रण है तो इंद्रिय पर नियंत्रण अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन मन में नियंत्रण नहीं है तो मन को नियंत्रित करने के लिए इंद्रियों को भी नियंत्रित करना पड़ता है। अगर आपके मन में राग द्वेष का प्रभाव नहीं है तो फिर इंद्रियां यहां वहां घूमने वाली नहीं है। कम से कम बोलना, कम से कम देखना, कम से कम सुनना। देखो इसलिए एकांतवास बहुत महत्व का है, विविक्त देश सेवित्व, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए 13वें अध्याय में भगवान जो 20 मूल्य दर्शाते हैं उसमें से एक क्या है, विविक्त देश सेवित्व। सेवित्व माने कि उसका सेवन करना है, माने कि वो आपको अच्छा लगता है, वो आपके लिए एक स्वाभाविक बन जाता है। सेवन उसी का होता है जो हमारे लिए स्वाभाविक होता है। विविक्त देश सेवित्व हमारा एक स्वभाव बन जाना चाहिए कि हम विविक्त देश माने कि निर्जन प्रदेश है, वृक्ष है, पशु है, पक्षी है, पुष्प है, सब है, अन्य मनुष्य नहीं है। विविक्त देश माने कि अन्य मनुष्य वहां नहीं है, निर्जन प्रदेश हम जिसको कहते हैं। अपने आप में रहने की भी एक आदत बनानी पड़ती है, अकेले रहने की भी आदत बनानी पड़ती है, एकांतवास जो हम कहते हैं, लघुवासी, कम से कम खाना। तो अपने आप में रहने की आदत बनानी है, ये प्रत्याहार माने कि कम से कम इंद्रिय का भोग करके अपने आप में रहना है। इंद्रियों बाहर जा रही है, उसे बाहर जा रही है, उसको वापस लाना है। अब देखो इंद्रियों को वापस ऐसे लाना है कि उसको बाहर जाने की आवश्यकता होती ही नहीं है। अब देखो देखने की इतना नहीं आवश्यकता, सुनने की आवश्यकता। स्वामी जी इसे बहुत मजाक करते थे कि हमें सुनने की ऐसी आदत बन जाती है, हमें सब सुनना है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। और आजकल ये मीडिया में तो वही चलता है, इसने वो कहा, उसने वो कहा, इसने ये लिख दिया, उसने वो लिख दिया, सब जानने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो स्वामी जी हमेशा कहते कि दो लोग अगर बात कर रहे हैं और हम वहां बैठे हैं, वो क्या बात कर हमें सुनाई नहीं देता है, तो दोनों जो बैठे हैं उनको सुनना है हमें। तो स्वामी जी कहते थे
कि हमारा पूरा व्यक्तित्व तो ये कर्णेन्द्रिय की ओर जाता है, इसलिए हम ऐसे ढल जाते हैं। क्यों पूरा व्यक्तित्व तो यहां आ गया? क्यों? सुनना है वो क्या कहता है, क्या क्यों जानने की आवश्यकता है? माने कि बाह्य जगत के जो विषय है वो ग्रहण करने की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है, उसी को परम विजय कहता है। आप समझो, पकड़ के रखोगे तो कितने दिन पकड़ के रखोगे? अब समझो ठीक से। और इसीलिए हमारे मन पर विजय होना चाहिए कि मन को ही ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं है, उसको परम विजय कहते हैं। देखो इसीलिए भगवान भी कहते हैं, आप ठीक से समझना, ये काम का जो प्रभुत्व है, ये रागद्वेष का जो प्रभुत्व है, वो ऐसे नहीं जाएगा। आप इंद्रियों से उनको ग्रहण करने का बंद कर देते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। आप समझो, दूसरे अध्याय में ही भगवान कहते हैं, वहां पर ही कहते हैं, अगर आप इंद्रियों को बंद कर देंगे तो क्या होगा? विषया विनिवर्तन्ते, विषय वापस चले जाएंगे। क्यों? निराहारस्य, क्योंकि निराहार है वो आहार, माने कि पांच विषयों को वो ग्रहण करने वाला नहीं है, निराहार है। तो अगर पांच विषय को ग्रहण नहीं कर रहा है तो पांच विषय वापस चले जाएंगे, वो निराहार है, कोई इंद्रिय से विषय ग्रहण नहीं कर रहा है। निराहारस्य देहिनः, लेकिन कैसे जाएगी? रसवर्जम। अब देखो ये माने कि वो विषय के प्रति हमारे मन में जो रस बुद्धि है, जो सुख बुद्धि है, अब देख वो नहीं जाएगी, विषय वापस चले जाएंगे, लेकिन विषय के प्रत्यय जो रस बुद्धि है वो नहीं जाएगी। अब समझो, हमारे मन में जो जन्मों जन्म से, कई जन्मों से हमारे मन में अनेक प्रकार की विषय वासना पड़ी हुई है, भोग की वासना है। आप समझो, और इसीलिए आप कितना भी प्रभुत्व इंद्रियों पर प्राप्त कर लो तो विषय तो वापस चले जाएंगे, लेकिन मन में जो रस बुद्धि है वो पड़ी रहती है। आप सब देखो, इसीलिए मैं हमेशा एक ही दृष्टांत देती हूं, इंद्रियों का विजय की जब बात आती है ना, ये रसवर्जम समझने की बात है। वो विषयों प्रत्यय जो सुख बुद्धि हमारे मन में है, वो रस जो हमारे मन में है वो नहीं रहना चाहिए। मैं एक ही दृष्टांत देती हूं, गर्मी के दिन जो होते हैं, इतनी गर्मी पड़ती है, जो खुला मैदान होता है ना वो बिल्कुल सूख जाता है, उसकी धूल भी जो होती है ना बिल्कुल सूख गई होती है, बिल्कुल सूखा है। तो हमें क्या लगता है? ये वीरान है, कुछ नहीं है वहां पर, खाली है मैदान, सूखा है मैदान। लेकिन एक बारिश होगी, एक बारिश हुई, एक सप्ताह में पूरा मैदान जो है, पूरी भूमि जो सूखी हमें लगती थी वो हरी हो जाएगी। क्यों? आप देखो, जब प्रतिकूलता थी तो वो जो घास जो थी उनकी ग्रंथि होती है छोटी छोटी, वो जमीन के अंदर होती है। जब गर्मी के दिन आते हैं तो ऊपर से जो हरा घास जो है वो सूख जाता है, और इसलिए हमें लगता है सब सूखा है, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही अनुकूलता आई, प्रतिकूलता है तो बिल्कुल साफ दिखेगा, जैसे ही अनुकूलता आई, एक बारिश हुई, पानी उनको मिल गया, सब घास के जो अंदर ग्रंथि होती है वो बिल्कुल अंकुरित हो जाती है, और इतनी जल्दी वो अंकुरित होती है कि एक सप्ताह में पूरा जो मैदान हम देख रहे हैं, पूरी भूमि जो है हरी हो जाती है। उसी प्रकार से अगर आपने विषय ग्रहण करने का बंद कर दिया, निराहार, अब विषय नहीं ग्रहण कर रहे, तो विषया विनिवर्तन्ते। लेकिन जैसे ही अनुकूलता आएगी ना, वो सब इंद्रियां अंकुरित हो जाएगी। देखो इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, जो कहते नहीं नहीं स्वामी जी मुझे तो बहुत वैराग्य है, ये कुछ मैं मुझे नहीं मिलता ना चलता है,
उसके सामने ऐसा एक स्वादिष्ट भोजन रख दो ना, ये चलता है चला जाएगा। आप सब, आपके सामने इतना अच्छा विषय नहीं है, इतने स्वादिष्ट भोजन नहीं है, इसलिए आप कहते हो। मैंने देखा है लोगों को बहुत बड़ी बड़ी वैराग्य की बात करते। अब समझ, मन में जो रसवर रसवर्जम रसो ही अप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते, ये जो रस बुद्धि है वो तो परम दृष्टा, परम मानी ये परम आनंद स्वरूप, जब तक ये परम आनंद स्वरूप आत्मा को हम पहचानते नहीं है तब तक ये रस बुद्धि जाती नहीं है। भगवान स्पष्ट रूप से कहते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो ही अपि अस्य, ये निराहार व्यक्ति का जो रस है रस बुद्धि कब जाती है, परम दृष्टा निवर्तते, यमात्मा परानंद है, ये परम आनंद स्वरूप आत्मा को आप जब तक दर्शन नहीं करते समझते नहीं है, मैं परम आनंद स्वरूप आत्मा हूं, ये ज्ञान जब तक नहीं होता है ये रस बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती है। अब इसीलिए तीसरे अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि ये राग द्वेष व्यवस्थित हमारी बुद्धि में पड़े हुए हैं। पापमानम प्रजहीयेनम, ये पाप कराने वाले हैं, प्रजहीयेनम ये त्याग करने, अर्जुन ये इसका त्याग करो। अब सुन, लेकिन कब होता है, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम दुष्पूरेण, देखो जिस प्रकार से अनल अग्नि को हम संतुष्ट नहीं कर सकते, उसी प्रकार से कामना को कोई संतुष्ट नहीं कर सकते, दुष्पूर्ण। और आत्मज्ञान से ही ये काम रूपी शत्रु को हम निवार सकते हैं, उसका नाश कर सकते हैं। जही शत्रु महाबाहो, और इसीलिए इंद्रिय पर हमें नियंत्रण करना पड़ता है, प्रत्याहार आवश्यक है। भले मन में रस बुद्धि है लेकिन इंद्रियों का भी नियंत्रण, क्योंकि हमारी जो बहिर्मुखता है, कल मैंने कहा ना यम नियम आसन और प्राणायाम है वो बहिर्मुख साधन है, प्रत्याहार अंतरंग साधन है, मानी कि आपका आंतरिक व्यक्तित्व जो है उनको भी संवारना है, बाह्य जगत को भी हम बाह्य जगत का भी हम निर्माण करना है, लेकिन हमारे व्यक्तित्व का भी निर्माण करना है। और वो व्यक्तित्व का जो निर्माण है उनका पहला जो अंग है वो प्रत्याहार है, इंद्रियों पर परम वश होना चाहिए। जिसको हम बहुत सामान्य मानते हैं वो भी हमारी साधना के लिए विघ्न रूप हो सकता है। और इसीलिए प्रत्याहार भी आवश्यक है। छठा है धारणा, शास्त्र में ऐसे लिखते हैं, योग शास्त्र, कि आप जो प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम का जो अभ्यास है वो अभ्यास इतना दृढ़ होना चाहिए कि वो दृढ़ता जब होगी तब प्रत्याहार हो सकता है। प्रत्याहार जब दृढ़ हो जाता है तभी आप धारणा कर सकते हैं, माने कि ये एक दूसरे पर आधारित है, क्रम है। तो प्राणायाम की दृढ़ता से ही प्रत्याहार प्राप्त होता है, प्रत्याहार की दृढ़ता होती है तभी हम धारणा कर सकते हैं। और धारणा किसको कहते हैं, एक देश निबंधश्च धारणा, हमारे मन को, हमारी मन की वृत्ति को एक देश में, एक विषय में, एक नाम में ही एकाग्र करना, वो धारणा है, धारण करना है। अब जब करते हैं तो आपका मन जो है एक ही विषय में है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब देखो नारायण 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 नारायण, तो ये धारणा है आप सब, लेकिन वो भी दीर्घकाल पर्यंत होना चाहिए, प्रत्याहार भी दीर्घकाल पर्यंत होना चाहिए।
हम लोग करते हैं प्रत्याहार भी, लेकिन विशेष काल में हम करते हैं। नवरात्रि होती है, श्रावण महीना होता है, मार्गशीर्ष ये महीना होता है। अब तो विशेष काल में विशेष देश में हम प्रत्याहार कर सकते हैं। तो ये सब विशेष देश या विशेष काल या विशेष परिस्थिति नहीं। उसी प्रकार से ये धारणा मानी क्या, दीर्घ काल पर्यंत सर्व देश में सर्व काल में सर्व वस्तु से आप प्रत्याहार करते हो तब आप धारणा के लिए अधिकारी बनते हो। अब धारणा मानी क्या है, हमारे मन को एक ही नाम या एक ही रूप या एक ही वस्तु उसी पर ही धारण करके रखना है। एक देश निबंधश्च मानी एक देश मात्र नहीं है, देखो एक देश भी बहुत महत्व का है। स्वामी जी बहुत सुंदर करवाते हैं कि आप अपने शरीर को देखो, एक बार आप स्थिर आसन में बैठ गए, आंख मूंद ली आपने, फिर आप अपने शरीर का निरीक्षण करो, चरण से मस्तक तक आप अपने आप ही देखो, तो आपका मन जो है आपके शरीर अंतर ही रह गया, मानी बाहर नहीं है। आप देखो तो ये धारणा हो गई, आप समझो मन को एक शरीर में हम बांध लेते हैं, एक देश निबंधन, फिर वहां से ही हम एक नाम पर मन को ले जाते हैं या एक भगवान के रूप पर हम ले जाते हैं। और वो चतुर देखो बहुत चर्चा है ये कि चतुर्भुज विष्णु भगवान है, तो वो विष्णु भगवान का जो रूप है उसी में हमारा मन एकाग्र हो गया तो क्या होगा, एक देश निबंधश्च धारणा, मन अन्य देश में अन्य विषय में अन्य नाम रूप में नहीं जा रहा है। तो जब तक प्रत्याहार की दृढ़ता नहीं होगी, परम वश नहीं होगा, तब तक ये धारणा नहीं हो सकती है। आप समझो हमारे मन को एक विषय में एकाग्र दीर्घ काल पर्यंत करना पड़ता है। 2 मिनट विष्णु भगवान के दर्शन कर लिए वो धारणा नहीं है, लेकिन आरंभ तो उसी से ही करना है। पहले 5 मिनट करो, 5 मिनट से 10 मिनट करो, बढ़ता ये समय जो है उसको बढ़ाते रहना है। फिर दीर्घ काल पर्यंत माने कि देखो ये बैठते हैं ना आसन में, हम पद्मासन करते हैं, सुखासन करते हैं, तो अब अगर आप नहीं बैठ सकते ऐसे और आप कुर्सी पर बैठे हैं लेकिन स्थिर बैठो, आप शरीर को आप स्थिर रखो, इंद्रियों को स्थिर कर दो, फिर ये धारणा होगी। दीर्घ काल पर्यंत हम ये इस प्रकार से करते हैं तो एक बार मन को एक विषय में ही आनंद आने लगा, एक नाम में ही आनंद आने लगा, एक रूप में ही उनको आनंद आने लगा, तो वो धारणा हो जाएगी आपकी। लेकिन ये सबके लिए समय चाहिए, अभ्यास करना पड़ता है। जिसको ये जप की आदत होती है ना, उनको जप करना नहीं पड़ता, होते हैं जप, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते रहो और उसमें रस आना चाहिए। देखो ये बात समझो, अगर एक बार भगवान के नाम और रूप में हमें रस आने लगा तो वो जो विषय का रस है वो छूट जाएगा, लेकिन यहां ही हमें रस नहीं आता है, यहां ही हमें निद्रा आ जाती है, लय हो जाता है, विक्षेप हो जाता है। जब हम धारणा करते हैं तो लय और विक्षेप ये 2 प्रतिबंधक है, या तो हमें नींद आ जाती है, हमारा मन का लय हो जाता है, मन में नींद आ जाती है, या तो मन अन्य विषय में चला जाता है, विक्षिप्त तो हो जाता है। और इसीलिए ये आवश्यक है
कि हम दीर्घकाल पर्यंत उनका अभ्यास करते रहेंगे, जप का भी हम अभ्यास करेंगे तो एक आदत बन जाएगी। देख कोई भी विषय आप जो ग्रहण करते हैं पहले से उनकी आदत नहीं होती है, आप बार बार उसको अभ्यास माने बार बार उसको करते रहते हैं फिर आपके मन में ये रसवृत्ति उत्पन्न होती है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायत। अब वो जो नकारात्मक है उसे सकारात्मक रूप से भी हम ले सकते हैं ना। विषय का ध्यान करते करते विषय में आसक्ति हो गई, अब ईश्वर का ध्यान करते करते ईश्वर में हमारे मन को धारणा करते करते उसी में हमें क्या हो गया, संगस्तेषु उपजायत, उसी नाम और रूप के प्रति हमारे मन में रस उत्पन्न हो जाता है। और मन में जिसके बारे में रस उत्पन्न होता है फिर मन को वहां ले जाना नहीं पड़ता है, मन अपने आप ही वहां जाता है। और इसीलिए ये धारणा भी करनी पड़े दीर्घ काल पर्यंत। ये दीर्घ काल माने ऐसा मत मानना 10 घंटा, 10 घंटा नहीं, 1 साल 2 साल। प्रत्याहार करने के बाद ये धारणा भी हमें करनी पड़ती, और इसीलिए कहते हैं कि ये धारणा जो है, अब योग में उसको मात्रा कहते हैं, बार मात्रा का जब प्रत्याहार होता है, बार मात्रा का प्राणायाम होता है तब प्रत्याहार होता है, मानी कम से कम। अब बार मात्रा का प्रत्याहार मानी उसके इस हिसाब से हमारे मन में प्रत्याहार आ गया, उस प्रमाण से हमारे मन में प्रत्याहार आ गया तो वो धारणा हमारे लिए संभव है। अब धारणा भी बार मात्रा माने कि वो एक मात्रा माने ऐसा मत मानना ये समय कुछ नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं मुझे भी कितने समय करना है, ये समय क्यों पूछते हैं लोग, कितना जप करना है, कितना समय करना है, कोई समय नहीं है, पाबंदी नहीं है, आप समझो। कई लोग स्वामी जी से पूछते, स्वामी जी ये कर्मयोग है ना कब तक करना है, फिर स्वामी जी ने एक वाक्य बना के रखा था, कर्मयोग इज अ लाइफ टाइम जॉब, पूरे जीवन यही करना है हमें। कर्म के प्रति ईश्वर अर्पण बुद्धि है, जो कर्म फल हमें प्राप्त हो रहे हैं उसके प्रति प्रसाद बुद्धि हमें करनी, तो ये 1 साल 2 साल की बात नहीं है, वो हमारा जीवन बन जाना चाहिए, कर्मयोग हमारा जीवन होना चाहिए, इट्स अ पार्ट एंड पार्शियल ऑफ अवर लाइफ। उसी प्रकार से धारणा भी क्या है, हमें आनंद आता है उसमें, परमात्मा का ध्यान करने में हमें आनंद आता है, रसवृत्ति होती है उसमें। बार बार आप ध्यान करते रहेंगे तो क्या होता है, जिस प्रकार के विषय के ध्यान करने से ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायत, विषय का ध्यान करते करते उसी में संग आसक्ति हो जाती है, रस बुद्धि होती है, उसी प्रकार से परमात्मा का नाम हम लेते रहेंगे, परमात्मा के रूप का हम चिंतन करते रहेंगे तो उसी में हमारे मन में रस होता है। देखो इसीलिए सब पुराण जो है ना, अष्टादश पुराण इसके लिए ही है, अनेक प्रकार की लीला है भगवान की। आपके जो भी भगवान है, गणेश मानो तो गणेश, नारायण मानो तो नारायण, कृष्ण मानो तो कृष्ण, जो भी हो आपके मन में जो है, आपके कुल देवता जो है, या आप बचपन से जिसको आप भगवान मानते हो, जिस भगवान में आपको रुचि है आप उनका नाम रूप लीला का चिंतन करते रहो तो धारणा बहुत सहज हो जाएगी। ये नाम माधुर्य जो है, रूप माधुर्य जो है, लीला माधुर्य जो है, करते रहो चिंतन, उसी में आनंद आएगा हमें। देखो ये शरीर से जो उत्पन्न पुत्र और पुत्री होती है ना, वो कोई विशेष प्रकार से इनाम लेके आते हैं तो हमें कितना आनंद होता, जो घर में आएगा सबको बताएंगे हम, उसको फोटो निकाल के हम फेसबुक पर रख देंगे, हरिओम। तो कितना आनंद आता है कि ये सिद्धि हुई उनकी,
अब देखो, तो वो पुत्र के लिए जो आसक्ति है, तो पुत्र की जो विशेषता है वो विशेषता से हमें भी गर्व होता है। उसी प्रकार से अगर ईश्वर में हमारी आसक्ति हो गई तो ईश्वर की जो लीला है वो लीला के प्रत्यय भी हमारे मन में एक गर्व आनंद की अनुभूति होती है। और इसलिए ये भगवान की जो लीला है, चिंतन करो। ये संसार की लीला का तो बहुत चिंतन करते हैं हम लोग, इसने वो किया उसने वो किया। अब देखो भगवान क्या करते हैं। देखो इसलिए ईश्वर की आवश्यकता है। अगर आपको प्रत्याहार धारणा आपको करना है तो ईश्वर के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए मैं कहती हूं जिस संप्रदाय में ईश्वर ही नहीं है वो किस प्रकार का ध्यान है। ये सब उसको ध्यान नहीं कहते हम, टेक्निक कहते उसको। ध्यान माने सगुण ब्रह्म मानस व्यापार है। ईश्वर का चिंतन करना, ईश्वर के नाम रूप का चिंतन करना। एकत्वेन पृथक्त्वेन उपासते, नवमे अध्याय भगवान कहते या तो एक स्वरूप से मेरा चिंतन करो, पृथक्त्वेन अनेक प्रकार से मैं हूं, अनेक नाम रूप से मैं हूं, अनेक देवताओं के रूप में हूं, सूर्य के रूप में, चंद्र के रूप में, जल के रूप में। एकत्वेन पृथक्त्वेन विश्वतो बहुधा मुखम, बहुधा विश्वतो मुखम, सॉरी बहुधा अनेक प्रकार से विश्वतो मुखम, जहां भी देखो वो ईश्वर के ही नाम रूप है, ईश्वर की ही विशेषता है, ईश्वर की ही महानता है, ईश्वर की ही विभूति है। दसवें अध्याय में आप देखो, ग्यारहवें अध्याय में आप देखो, ये भगवान की जो महिमा है, ये भगवान की जो लीला है, विभूति है। हर एक देश में हमें भगवान की विभूति दिखती है। स्वामी जी कहते थे आंख देखेंगे आंख में ही भगवान की विभूति है। क्यों? जिस प्रकार से ये आंख काम करती है आश्चर्य है। आप मुझे सुन रहे हैं आश्चर्य है, आप समझ। तो ये सब भगवान की विभूति है, तो भगवान की विभूति का दर्शन हम कर सकते हैं। ईश्वर का चिंतन जितना हो सकता है ना, क्योंकि ये संपूर्ण देख के गए हम, ये संपूर्ण विश्व ईश्वर से ही उत्पन्न हुआ है, तो ये संपूर्ण जगत जो है वो जगत विश्व जो है ईश्वर मात्र है। तो सर्वनाम रूप में वो ईश्वर की महिमा, ईश्वर की विभूति का हम दर्शन करें। देखो इसलिए धारणा भी दो प्रकार से होती है। एक आंख मूंद के हम ईश्वर की लीला का चिंतन करते हैं, दूसरा आंख खुली आंख से भी देखो। ये सूर्योदय देखो, ये सूर्यास्त देखो, बादल देखो, ये ईश्वर की विभूति है, ईश्वर के ही नाम रूप है। आश्चर्य है, आप समझो। जिस प्रकार से आंख काम कर रही है आश्चर्य है, जिस प्रकार से पाचन क्रिया होती है आश्चर्य है। ये जगत में अत्यंत जटिल कोई रासायनिक क्रिया है तो वो पाचन क्रिया है। अब देख, अत्यंत जटिल ये रासायनिक क्रिया हो रही है, अद्भुत है। इसीलिए हरेक वस्तु में आप ईश्वर के महिमा का दर्शन कर सकते हो। यही महिमा का दर्शन करते रहेंगे वो धारणा है। सर्वत्र ईश्वर का दर्शन, अखिल ब्रह्मांड में एक तो श्री हरि, वृक्ष भी ईश्वर है, बीज भी ईश्वर ही है। बीज अव्यक्त अवस्था है, वृक्ष अव्यक्त अवस्था। जितने पशु पक्षियां हैं, देखो आप वो पक्षी देखो, आप एक एक पक्षी का कितनी विशेषता है। तितलियां देखो विशेषता है, पुष्प देखो, फल देखो, सब जगह पर वो ईश्वर की महिमा का दर्शन होगा।
वही धारणा है, आपका मन वो ईश्वर में एकाग्र हो जाता है। बारिश होना भी आश्चर्य है, आप समझना, ये पृथ्वी जो है, देखो बचपन में जब ये ज्योग्राफी भूगोल सीखते थे हम लोग, तब जब समझाया कि सूर्य के आसपास ये पृथ्वी परिभ्रमण कर रही है, तो ये जब परिभ्रमण कर रही है ऐसा जब कहा ना, तो इसका अर्थ ये हो गया कि आकाश में हम अधर ऐसे ही लटक रहे हैं। तो ये पृथ्वी को यहां रखने वाला कौन है? अब देख, सूर्य को वहां रखने वाला, टिकाने वाला कौन है? आश्चर्य, जिसको हम गन्ना कहते हैं, गन्ना भी एक प्रकार से घास ही है, लेकिन उसमें आप देखेंगे तो गन्ने के रस माने कि मीठा है, वहां पर सुक्रोज है, वहां पर बांबू भी एक प्रकार का बांस है, गन्ना भी एक प्रकार का बांस ही है, घास देखो आप अलग अलग प्रकार, आश्चर्य। और अगर ब्रह्मांड को देखते हैं ना, जो निहारिका है, नक्षत्र है, निहारिका है, गैलेक्सी जिसको हम कहते हैं, आश्चर्य। और इसलिए सर्वत्र वो ईश्वर को आप देखो, सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करो, तो आपका मन सतत वो ईश्वर में ही एकाग्र रहेगा, उसी को धारणा कहते हैं। एक विषय में, एक देश में, एक नाम में, एक रूप में हम हमारे मन को एकाग्र कर देते, उसको धारणा करते। अब देखो, धारणा जब होती है ना, तो हमारा मन अनेक विषय में है, आप समझना ठीक से। भगवान की लीला का हम जब दर्शन करते हैं, तो अगर भगवान की लीला का दर्शन कर रहे हैं, भगवान यमुना तट पर रास लीला कर रहे हैं, तो शरद पूर्णिमा है, तो चंद्र भी देख रहे हैं, वृक्ष भी है, यमुना नदी भी है, तट भी है, कृष्ण है, कृष्ण के वस्त्र है, गोपी है, अनेक विषय हम ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन सर्व के केंद्र में श्री कृष्ण है। जो जो हम देख रहे हैं वो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई चीज है। तत्र एकतानता ध्यानम, तत्र एकतानता माने कि हमारी जो मन की वृत्ति है वो सहज रूप से ही वहां जा रही है, कोई प्रयत्न नहीं है। तत्र एकतानता, धारणा मानी हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रत्याहार में तो प्रयत्न है ही, हम हमारी इंद्रियों को वापस ला रहे हैं, वो प्रयत्न है। धारणा मानी एक देश एक नाम के एक रूप में हम पकड़ के रखते हैं, वो प्रयत्न है, आप ठीक से समझो। लेकिन प्रयत्न भी अब नहीं रहेगा, एकतानता, सहज रूप से ही हमारी मन की वृत्ति जो है वो ईश्वर की ओर जा रही है, उसको ध्यान कहते हैं। बुद्ध स्वामी जी से बहुत सुंदर कहते थे, आगे मैंने कहा ना भोजन करता हूं ऐसे कहते हैं, ज्ञान करता हूं नहीं कहते, ज्ञान होता है, माने कि फिर हमारा कोई प्रयत्न, हमारे संकल्प की आवश्यकता रहती नहीं है। उसी प्रकार से धारणा हमें करनी है, लेकिन ध्यान होता है, सहज रूप से हमारी वृत्ति वो ईश्वर की ओर जा रही है, वृत्ति का जो प्रवाह है वो एकतानता, एक स्वरूप से वो ईश्वर की ओर जा रही, उसको कहते हैं ध्यान। विजातीय वृत्ति परित्यागेन तिरस्कारेण सजातीय वृत्ति प्रवाह ध्यानम, सहजता है वहां पर, कोई प्रयत्न आवश्यक है नहीं। देखो यहां विद्यारण्य मुनि उनकी चर्चा नहीं कर रहे, ये सहजता की आप आगे आएगा, चित्रदीप ध्यान दीप, मन की वृत्ति सहज रूप से ईश्वर की ओर जा रही है, कोई प्रयत्न नहीं, उसको कहते हैं ध्यानम। तत्र एकतानता,
अब जब ये धारणा की दृढ़ता होती है तो फिर ध्यान होता है, और ध्यान की जब दृढ़ता होती है तब सविकल्प समाधि संभव है। तो ध्यान और समाधि में क्या भेद पड़ेगा, क्या अलगाव होगा? आप देखो, तो कहते हैं कि जब ध्यान करते हैं, ठीक से समझो, अभी जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मन में एक ध्यान माने ईश्वर का चिंतन हम कर रहे हैं, लेकिन जब धारणा के बाद ध्यान होता है तो ध्यान में करता हूं माने कर्ता की ओर, ध्याता की ओर भी हमारा ध्यान है। ध्यान की क्रिया के ओर भी हमारा ध्यान है और ध्येय वस्तु के प्रत्ये भी हमारा ध्यान है। समझ में आता है? तीनों है, ध्याता, ध्यान की क्रिया और ध्येय, ये तीनों के प्रति हमारे मन में सभानता होती है, माने कि मैं ध्यान करता हूं, एक प्रकार की सभानता रहती है मन। देखो आगे ही मैं कह के गई, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अंतरंग है, उसको बाहर की जगत से कोई संबंध नहीं, वो आपके मन में ही है। देखो इसलिए अगर कोई कहेगा मन से पर जाना है तो आप ध्यान कैसे करेंगे? मन से पर नहीं जाना है, आप समझो, बियॉन्ड द माइंड, लोग पढ़ते भी उसके लिए, योग शास्त्र भी यही कहता है कि जो वृत्ति का जो प्रवाह है एक ही दिशा में जा रहा है, वो ईश्वर की दिशा में जा रहा है, आत्म तत्व की ओर जा रहा है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, आत्म समस्तम मन कृत्व न किंचित अपि चिंतय, एक बार आत्म तत्व का हम चिंतन कर रहे हैं, दूसरा कोई वृत्ति हमारे मन, लेकिन ध्यान जब होता है तो ये तीन त्रिपुटी जिसको कहते हैं, ध्याता ध्यान ध्येय जो है, ये त्रिपुटी रहती है वहां पर। लेकिन वो ध्यान का भी परिपाक जब होता है तो ध्यान के परिपाक रूप समाधि होती है, वहां मैं ध्यान करता हूं, वो सभानता भी नहीं रहती है। हम मन की वृत्ति सहज रूप से वो आत्मचिंतन करते हैं, दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम समाधि, मानी मैं ध्याता हूं, ये सभानता भी हमारे मन में नहीं रहती है, ये ध्यान हो रहा है ऐसी भी सभानता जब मन में नहीं रहती है, मन की वृत्ति जो है, वृत्ति का प्रवाह वो आत्मचिंतन में लगा हुआ है, लेकिन वो ध्याता और ध्यान की कोई सभानता नहीं, उसको समाधि कहते हैं। सम्यक आधीयते अस्मिन् इति समाधि, अच्छी तरह हमारा मन उसी में एकाग्र हो गया, समाहित हो गया है, तो मैं ध्यान करता हूं ऐसा भी कोई सभानता नहीं रहेगी, उसको सविकल्प समाधि कहते हैं। और कहते हैं क्रमान सविकल्प समाधि, फिर निर्विकल्प समाधि, विकल्प नहीं है, वृत्ति बंद नहीं हुई है, चित्त वृत्ति निरोध जो है वो निरोध मानी बंद नहीं हुई है, वृत्ति का प्रवाह जो है सहज रूप से आत्म तत्व में है। देखो वही भगवान कहते हैं कि एक बार जिसको मैं पूर्ण आनंद स्वरूप आत्मा हूं, एक बार जिसको ज्ञान हो गया, पश्यन श्रृणवन स्पृशन जिग्रन अश्नन गच्छन, फिर कुछ भी है उनके सामने, आंख खोल के भी निर्विकल्प समाधि होती है, आप समझो, क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि जो है सर्वत्र ब्रह्म दर्शन कर रही है, सर्वत्र समदर्शन है, देखते हुए सुनते हुए खाते हुए उठते हुए जागते हुए बोलते हुए, अब देखो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य वर्तते नैव किंचित करोमीति, ये सहज रूप से हो रहा है, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। सब क्रिया हो रही है, देखना भी हो रहा है, सुनना भी हो रहा है, सब है,
लेकिन वो हमारे मन में एक सहजता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने सुनिचैवस्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः, सर्वत्र वो ब्रह्म का दर्शन करते हैं। तस्याहम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यामि, ऐसा मत मानना एक घंटा आंख मूंद के बैठ के वो निर्विकल्प समाधि हो गई, निर्विकल्प समाधि मान की सर्वत्र वो ईश्वर का दर्शन है, सर्वत्र वो ब्रह्म का दर्शन। इसलिए वेदांत की समाधि और योग की समाधि में अलग है। योग की समाधि की बात करेंगे तो वो समाधि अवस्था है और व्युत्थान अवस्था, देखो दो है। लेकिन वेदांत की जो समाधि, आंख मूंद के भी वो समाधि है, अखुली आंख से भी वो समाधि ही है। क्यों? पंडिताः समदर्शिनः, ज्ञानी के जो भगवान लक्षण दर्शाते हैं, कर्तृत्व की दृष्टि से देखेंगे, नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येते तत्त्वविद्, जो तत्त्वविद है, हरेक प्रकार की क्रिया हो रही है फिर भी मैं कुछ करता नहीं हूं, ये कर्तृत्व आप देखो है ही नहीं आत्मा में कर्तृत्व। दर्शन की दृष्टि से देखेंगे तो ब्राह्मण है या हस्ती है या गैया है, कुत्ता है, कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल है, कुछ भी है, सर्वत्र पंडिताः समदर्शिनः। उपाधि सात्विक हो सकती है, उपाधि राजसिक हो सकती है, उपाधि तामसिक हो सकती है, लेकिन उनका जो अधिष्ठान सच्चिदानंद ब्रह्म जो है वो एक अद्वितीय है। और इसीलिए ये समाधि माने की सर्वत्र ईश्वर का दर्शन है, ब्रह्म का दर्शन है। हर एक अध्याय में भगवान यही चर्चा करते हैं, आप समझो। दूसरे अध्याय देखो, तीसरा अध्याय देखो, चौथा अध्याय, पांच, सब जगह का समलुष्टाश्म कांचन, जड़ वस्तु है चेतन है, सर्वत्र वो ब्रह्म का दर्शन है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविहि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेम गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। देखो वो समाधि शब्द मान, वेदांत की समाधि माने की समाधि एक अवस्था और व्युत्थान अवस्था दो नहीं है, जहां ये दो नहीं रहते ना उसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। मूंद के बैठते वो भी ब्रह्म समाधि है और कर्म करते हुए भी वो ब्रह्म समाधि है, ब्रह्म कर्म समाधि। अब देखो कर्म में भी समाधि है हमारी, क्यों? कर्ता भी ब्रह्म है, कर्ण भी ब्रह्म है, कर्म भी ब्रह्म है। देवता जिसको हम आहुति दे रहे हैं, हविष जी आहुति दे रहे, वो भी ब्रह्म है। आहुति देने के लिए जो साधन का उपयोग कर रहे वो भी ब्रह्म है। जिसके लिए जो देवता लेके आहुति दे रहे वो भी ब्रह्म है, और जो आहुति देने वाला है वो भी ब्रह्म है। इसीलिए वेदांत में कर्म समान, ब्रह्म कर्म समान। समाधो वचना बुद्धि, एक बार आपका मन ये आत्म तत्व में निष्ठ हो गया, फिर कोई आपका मनोराज्य की आवश्यकता, देखो आप देख प्रत्याहार समय ही मनोराज्य तो चले गए, जेतुम शक्यम मनोराज्यम, क्यों? कि विषय का चिंतन ही नहीं है, ईश्वर चिंतन है, आत्म चिंतन है, तत्व चिंतन है। निर्विकल्प समाधि तरह सर्वत्र जब आप ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं, विषय है ही नहीं, ब्रह्म मात्र है। जिसको आप पुष्प कह दे वो पुष्प भी क्या है? अस्ति भाति प्रिय सच्चित आनंद है वो। नाम रूप बदलते रहते हैं, आद्यत्रयम् ब्रह्म रूप, आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम ततोद्वयम् जगत रूपम। और इसीलिए पुष्प में ब्रह्म नहीं है, पुष्प ही ब्रह्म है, यह निर्विकल्प समाधि। शब्द में ब्रह्म नहीं, शब्द स्वयं ब्रह्म है। सूर्य में ईश्वर नहीं है, सूर्य स्वयं ईश्वर है। ये गलती मत करना, बहुत सारे संप्रदाय ये गलती कर रहे हैं।
भगवान ने क्या कहा, वो सप्तमी विभक्ति भगवान प्रयोग कर रहे हैं ना, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, अब देखो हस्ती हाथी में, गवी गैया में, सुनी कुत्ते में, अब देखो स्वपाके सुनी सुनी माने कुत्ता, कुत्ते का मांस खाने वाला। तो ये मैं जो कहते हैं ना सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते, इसलिए बहुत लोग क्या मानते हैं हाथी में ईश्वर, हाथी में ईश्वर है नहीं, घड़े में मिट्टी है नहीं, घड़ा मिट्टी है, आप समझो घड़े में मिट्टी नहीं है और मिट्टी में घड़ा भी नहीं है, घड़ा मिट्टी है, उसको बाद सामान्य अधिकरण कहते। देखो ये थोड़ा कष्ट लगेगा आपको, बाद सामान्य अधिकरण कहते, घड़ा मिट्टी है जब हम कहते हैं तो घड़े का बांध हो गया और जो रहता है वो मिट्टी मात्र है, मृत्यु के तेव सत्य। और इसीलिए ये सर्वत्र ब्रह्म समदर्शन। छठे अध्याय में सूरुन मित्र रुदासीन हरि बंधुषु साधुषु पापिषु, देखो सर्वत्र समदर्शन, सम ब्रह्म का सर्वत्र दर्शन। और इस प्रकार से हम जब ईश्वर चिंतन में लगते हैं, ब्रह्म चिंतन जब हम करते हैं, तो ये मनोराज्य कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि हमारा मन सहज रूप से वो ईश्वर की ओर जा रहा है, मन की वृत्ति सहज रूप से वो ईश्वर को। इसलिए मैंने कल कहा ना, अगर आपकी वृत्ति के गर्भ में ईश्वर आ गए तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, वृत्ति के गर्भ में विषय आ गया आपको कोई सुखी नहीं कर सकता है। और इसीलिए धारणा ध्यान से ही ये सब मनोराज्य चले जाएंगे, क्योंकि हमारी मन की वृत्ति सहज रूप से उस ओर जा रही है, उसमें कोई प्रयत्न नहीं है, कोई विशेष प्रकार का प्रयत्न वहां आवश्यक नहीं है, विशेष अवस्था नहीं है। अब समझो एक विशेष अवस्था को हम ब्रह्म ज्ञान नहीं कहते। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, मन की कोई भी अवस्था है प्रकाशम च सात्विक है, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च राजसिक है, मोहमेव च तामसिक है, मन की जो भी अवस्था है। अब निवृत्तानि न कांक्षति प्रवृत्तानि न द्वेष्टि, उनकी निवृत्ति की इच्छा भी नहीं है, उनकी प्रवृत्ति की, उनके प्रवृत्ति माने कि ये गुण जो प्रवृत्त हो रहे उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है और ये गुणों की निवृत्ति की भी इच्छा नहीं है। अब समझो गुणातीत से उच्चते, ये गुण से ऊपर उठ गए हैं मन, क्यों, क्योंकि सत्व गुण जो है उनका अधिष्ठान भी वही चैतन्य है। ये देख के गए हम लोग कि सबका जो अधिष्ठान है वो तो एक चैतन्य स्वरूप ब्रह्म मात्र है। पंचकोश विवेक प्रकरण में हम देख के गए ये सब, पंचभूत विवेक प्रकरण में भी हमने देखा। और इसलिए ये जो द्वैत विवेक में हमें देखना है कि ये विवेक ये करना पड़ेगा हमें कि जीव द्वैत की निवृत्ति हो गई, मनोराज्य की निवृत्ति हो गई, जो रहता है वो ईश्वर सृष्टि मात्र है। और ईश्वर सृष्टि भी नहीं है, ईश्वर मात्र है, क्योंकि नाम रूप जो है वो ईश्वर ही है। जिस प्रकार से घड़ा जो है वो मिट्टी मात्र है, उसी प्रकार से संपूर्ण विश्व जो है ईश्वर मात्र है। और इसीलिए इस प्रकार से क्रमात् सविकल्प समाधिना, क्रमात् निर्विकल्प समाधि ही जेतुं शक्यं मनोराज्यम, इस प्रकार से क्रम से अगर हम चलेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। देखो इसलिए एक घंटे ये समाधि भी आवश्यक है, महर्षि हमको कहते थे अगर आप एक घंटा ध्यान कर रहे हैं तो एक घंटा ध्यान से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि आप ये सब के बिना भी आनंद में रह सकते हैं। तो ध्यान के द्वारा भी हमारा वैराग्य दृढ़ हो जाएगा कि ये सब के बिना भी मैं आनंद में रह सकता हूं। आप स्वतंत्र हो जाएंगे
आपको वैराग्यम होगा। अब समझो ठीक से। उसी प्रकार से निर्विकल्प समाधि जो है वो भी आवश्यक है। समाधि में एक बार आप बैठ जाओ वो भी आवश्यक है, लेकिन एक घंटे की वो समाधि है, बाकी के 23 घंटे उनके उनका जो उनकी जो असर है इफेक्ट है वो रहेगी। आधा घंटा आप जप करो, बाकी के घंटे में वो जप का भी एक वहां असर रहती है उनकी। और इसीलिए ये समाधि के द्वारा ही हम हमारे मनोराज्य पर, हमारे राग द्वेष पर रसबुद्धि जो है, अब समझ में आया, विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम, लेकिन रसो ही अपि अस्य परम दृष्टा निवर्तते। फिर ये रसबुद्धि नहीं रहेगी, अगर रसबुद्धि नहीं रहेगी तो मनोराज्य भी नहीं होगा। और इसीलिए विदर्भ मुनि कहते हैं जेतुम शक्यम मनोराज्य, ये ध्यान के द्वारा समाधि के द्वारा हम ये मनोराज्य पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार से एक बार समाधि में आनंद आया तो ये बाह्य विषय में आनंद नहीं रहेगा, बाह्य विषय में हमारे मन को भटकने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, इंद्रियों को भी नहीं रहेगी। लेकिन उनका अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ नहीं करते, सब करते रहेंगे, जैसे हमारा जीवन हम जी रहे हैं उसी प्रकार से हम जीवन जीते रहेंगे, लेकिन अंदर से जो रसवृत्ति है, आवश्यकता जो है वो रहती नहीं है, और इसीलिए मनोराज्य भी नहीं रहता। और इस प्रकार से मनोराज्य पर हम विजय प्राप्त करके निर्विकल्प समाधि के द्वारा हम मनोराज्य पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। कल हम आगे देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिमहिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथ्वी सस्य शालिनी, देशो यंक्षोभरहितः, ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।